नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बड़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर बस्ती से है, जहां लगातार सरयू का जलस्तर बढ़ने से वहां के आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अति संवेदनशील तटबंध कटरिया चांदपुरवा गौरा सैफाबाद तटबंध पर पानी का तेज दबाव बना हुआ है, जिससे नदी खतरे के निशान पर 92.730 से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तटबंध और नदी के बीच स्थित सुबिखा बाबू गांव बाढ़ की पानी से जलमग्न हो गया है। यहां के लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए पानी से होकर जाना पड़ रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जलस्तर बढ़ रहा है, लगातार निगरानी की जा रही है, तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही डीएम ने कहा कि जरूरतमंदों को राहत किट भी प्रदान किया जाएगा। जनपद बस्ती में जो हमारा खतरे का निशान है वो 92.73 मीटर है, जिसमें अभी वर्तमान में जो हमारा नदी का स्तर है वो 93.26 मीटर पर चल रहा है, तो अभी खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है 94 मीटर, उससे भी हमारा नीचे है। लेकिन कुछ गांव में भी पानी भरना शुरू हुआ है। हम सतर्क दृष्टि रखा हुए हैं और अपनी सभी टीमों को हमने सतर्क कर दिया है और सभी आवश्यक प्रावधान जो है किए जा रहे हैं। इस समय नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? भैया हल्के पानी आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से कोई व्यवस्था नहीं, ना का सुविधा भी नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई नाव लगाई गई है कि नहीं? अभी तो नहीं लगाई गई। बहुत जन बाढ़ ही आए, बघरे तक ले पहुँच गए बा, और लड़कन के बहुत सांस थे नाई नाई ही, और स्कूली लड़के ना आ पावत थी। कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? बस हल्के आ जाए थे, ज्यादा बाढ़ आते नहीं आए सभी। अगली खबर हरदोई से है, जहां शहर में सट्टेबाजी का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। शहर के कई इलाकों में सट्टे का कारोबार फैलाए सट्टेबाजों के चुंगुल में फंसकर के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं इस मामले पर एसएसपी का कहना है कि पूर्व में 4 सट्टेबाज पकड़े जा चुके हैं, अभी भी एसपी के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। सट्टेबाजों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में इस तरह का मामला जानकारी में आया है, पूर्व में भी इन सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 सटोरी गिरफ्तार होकर जेल गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इनको पकड़ा जाएगा और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या ऐसे कोई सट्टेबाजों के नाम पुलिस के संज्ञान में है? अब इसकी जानकारी है, अब इसको गोपनीय रूप से पता किया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जलभराव और सड़क में पड़े गड्ढों से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी सरकार ने गड्ढा मुक्ति योजना चला करके सड़कों को ठीक करने का दावा कर रही है, जहां शिकोहाबाद NH2 हाईवे के सर्विस रोड की हालत बेहद खराब हो गई है, जो बता रही है कि गड्ढा मुक्ति योजना फेल हो रही है। दरअसल हाईवे के एक ओर बने रोड में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जहाँ आए दिन राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने महिला को कानपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों की नोकझोंक हो गई। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र महा गांव के रहने वाले रोहित अपनी पत्नी आरती का डिलीवरी कराने PHC ले गए थे, जहां बच्चे के जन्म के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मौत हो गई। अगली खबर आगरा से है, जहां आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा पहुंचे। बता दें कि बीते दिनों शहीद हुए हरीश कुमार के बसई गांव में स्थित उनके घर पहुंच करके परिजनों का हालचाल जाना, साथ ही शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि देश को ग्रामीण समाज ही सिर्फ ऐसा है जो देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। करने के लिए इनके परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए हैं और हरेश सिकरवार का नाम अमर रहेगा, पूरे क्षेत्र में एक आदर्श के तौर पर नौजवान उनको याद रखेंगे। परिवार के लोगों से मुलाकात करके बातचीत करके ये मुझे एहसास हुआ कि गांव के लोगों की इच्छा है कि हरेश सिकरवार की स्मृति में गांव में कुछ निर्माण होना चाहिए। खबर औरैया से है, जहां पिछले 12 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश और हवाओं ने अब
आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इतना ही नहीं, तेज बारिश के साथ हवाओं के चलने के कारण शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड पर एक पेड़ टूटकर गिर गया। पेड़ के गिरने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बड़ इंडिया।